अभी अभी कुछ देर पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी पार्टी ने अभी थोड़े देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि वो वर्चुअल रैली करेंगे, अमित शाह जी जो है वर्चुअल रैली करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि लगभग 2 लाख जो कोरोना वायरस से जो अफेक्टेड जो पेशेंट हैं, लगभग 2 लाख आंकड़ा पहुंच गया है। और ख़ास तौर में सबसे ज़्यादा अगर मर्माहत अगर कोई हुआ है, मर्माहत हुआ है, तो वो बिहार का श्रमवीर गरीब मजदूर हुआ है। नंगे पांव चल रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और बीजेपी जो है इस वक्त उनको उनकी चिंता नहीं है, गरीब की चिंता नहीं, बल्कि अपनी चुनाव की चिंता है, वोट की चिंता है। क्या ये कार्यक्रम, जो वर्चुअल रैली जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या इस वक्त उनको वर्चुअल रैली और चुनाव की चिंता करनी चाहिए, या जनता को, जो गरीब हमारा अपने लोग जो मर रहे हैं, उनकी चिंता करनी चाहिए? देखिए, 9 तारीख को भाजपा के लोग जो हैं वर्चुअल रैली करेंगे। जिस दिन भाजपा गरीबों का मौत का जश्न मनाएगी, उस दिन 9 तारीख को, उस दिन राष्ट्रीय जनता दल जो है संवेदना और शोक उस दिन संवेदना और शोक राष्ट्रीय जनता दल मनाएगा, और प्रतिकार जो है वो हम लोग करेंगे, और उसका नाम जो होगा गरीब अधिकार दिवस, भूखा बेरोजगार मजदूरों और किसानों के लिए। आप लोगों को बता दें, जिस दिन ये लोग जश्न मनाएंगे मौतों का, उस दिन राष्ट्रीय जनता दल जो है गरीब मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ खड़ा होकर के प्रतिकार करेगा। और हम लोग जो है गरीब अधिकार दिवस 9 तारीख को हम लोग मनाने का काम करेंगे। ये 10 बजे सुबह, और इसका प्रतिकार जिस प्रकार से जो खाली पेट है, जिनका जिनका थाली खाली है, पहले भी प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि भाई जो है आप लोग योद्धा जो है कोरोना, उनके सम्मान में बजाइए। हम लोग जिसके पास जो साधन है, थाली हो, कटोरी हो, वो बजाने का काम करें, और जो गरीब भूखे जो मर रहे हैं उनके सम्मान के लिए, गरीब का भूख मिटाने के लिए, और जो सरकार जो चैन से सोई हुई है, जो गहरी नींद में सोई हुई है, बिहार की डबल इंजन की सरकार, जो केवल चुनाव की चिंता कर रही है, गरीब की चिंता नहीं कर रही, इस वजह से हम लोग करेंगे। आप देखिएगा, 100 से अधिक लोगों की जान गई है इसमें, मर गए हैं, लेकिन बीजेपी को जो है थोड़ा सा भी लोक लाज नहीं बचा है। क्या ये जरूरी था करना, जो ये वर्चुअल रैली? और हम कहना चाहते हैं कि लालू जी हमेशा एक बात कहा करते थे, हमारे राष्ट्राध्यक्ष, गरीबों को डांटा नहीं आटा चाहिए। हमारे राष्ट्राध्यक्ष हमेशा एक बात कहते थे, गरीबों को डांटा नहीं आटा चाहिए। अभी क्या जरूरत है? और इन लोगों को जो है वर्चुअल रैली जो है वो करने की चिंता है। बीजेपी को सत्ता और पावर का जो उनको भूख है वो मिटाना है, उसलिए ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं। लेकिन उनके सामने जो गरीब भूखा है, मजदूर जो आया है, क्या स्थिति बनी हुई है, इनको जवाबदेही होनी चाहिए। आप बताइए, भाजपा के मंत्री हैं, अहम मंत्री हैं, कोरोना के टाइम में जिनको सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी है,
स्वास्थ्य विभाग जो है भाजपा के पास है, श्रम विभाग जो है वो भाजपा के पास है। क्या आप लोगों ने कोई बैठक में मुख्यमंत्री के साथ देखा इनको? कहाँ है, किस बिल में झुपे हुए हैं, ये इनको बताने का काम करना चाहिए। कहाँ है भाई, और क्या किया इन्होंने श्रमिकों के लिए? स्वास्थ्य विभाग के लोग बताएं कि कितना वेंटिलेटर मिला इनको। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ने बजट सेशन जब चल रहा था, जिस समय जिस दिन हम लोगों ने स्थगित किया विधानसभा, उस समय मुख्यमंत्री का भाषण में है, ऑन रिकॉर्ड है, मुख्यमंत्री ने कहा हमने निर्देश दिया है स्वास्थ्य विभाग को कि 100 वेंटिलेटर की व्यवस्था कराई जाए। कितने वेंटिलेटर मिले, कितने का उपाय हो पाया, और केंद्र सरकार ने क्या सहयोग किया? इनके इतने केंद्र मंत्री हैं, एमपी हैं, आखिर वो कहाँ हैं? इसलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अच्छा होता बीजेपी वर्चुअल और डिजिटल रैली से अच्छा होता कि वो लोग डिजिटल घर पहुंचाओ रैली करते, मजदूरों को पहुंचाने की व्यवस्था करवाते। 50 दिन से भी ज़्यादा जो है वो परेशान रहे। क्या ये ज़रूरी नहीं होता कि डिजिटल घर पहुंचाओ रैली करते? क्या ये ज़रूरी नहीं होता कि उन्हें डिजिटल भोजन पहुंचाओ योजना शुरू करते? हम लोगों के साधन से जितना हो सका राष्ट्रीय जनता दल ने किया। 1 लाख से भी ज़्यादा मजदूरों को जो है हम लोगों ने, चाहे सोशल मीडिया का ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन हम लोगों ने राशन पहुंचाने का काम किया। लेकिन बीजेपी के लोग अभी पूरी तरीके से जो है चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, और हम भाजपा के लोगों से जानना चाहते हैं कि ये जो रैली, वर्चुअल रैली, डिजिटल रैली जो कर रहे हैं, क्या इसमें नीतीश कुमार जी से, बिहार के मुख्यमंत्री और जो उनके अलायंस पार्टनर है, क्या उनसे पूछा है? उनसे पूछ करके ये कर रहे हैं? ये बताना चाहेंगे कि बीजेपी जो है डिजिटल रैली नहीं, बल्कि उनको इनविजिबल रैली निकालना चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो है पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, नजर ही नहीं आ रही। जो काम सरकार को, डबल इंजन की सरकार को करना चाहिए, रेल जुगारी जो है वो 40 रेलगाड़ी जो है भटक जाती है अपने रास्ते से, ऐसा कभी देश के इतिहास में नहीं हुआ। रेलवे का गाइडलाइन था कि रेलवे में अगर 12 घंटे से ज़्यादा कोई सफ़र होगा तो उसको, मजदूरों को, जो भी यात्री हैं उनको भोजन खिलाना पड़ेगा। लेकिन जो दर्दनाक तस्वीरें, जो वीडियो हम लोगों के सामने जो निकल कर के आ रहा है, वो हम लोगों का रोआ खड़ा हो जाता है, शर्म से माथा जो है वो झुक जाता कि बिहार की धरती पे ऐसी घटनाएं हो रही है। खाने में बिच्छू निकल रहे हैं, ये क्वारंटाइन सेंटर में बिच्छू निकल रहा है खाने में। आइसोलेशन वार्ड में महिला के साथ जो है, जो महिला थी जिसका नया नया शादी हुआ था, उसके साथ गैंग रेप हुआ। एक विदेशी सैलानी आता है, उसको कोरोना क्वारंटाइन सेंटर में जो है उसके सामान चोरी हो जाता है, पैंट तक निकाल दिया जाता है। और ये डबल इंजन की सरकार, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनको इनविजिबल रैली जो है वो निकालना चाहिए। ये विजिबल कहां रहे पूरी प्रकरण में, जब गरीब को लाना था, खिलाना था, क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था करनी थी, अस्पतालों को चार चौगंद करना था, पीपी किट देना था, वेंटिलेटर्स पहुंचाने थे, और इनके मंत्री तो गायब ही रहते हैं मुख्यमंत्री की बैठकों से, और इनको चिंता एकदम नहीं है। तो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुछ दिन पहले इन्होंने ट्वीट करके सोशल मीडिया पे, अपने ही भारत सरकार के जो मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, उनकी शिकायत की थी कि यहाँ BSNL का जो टावर है एकदम बेकार है, लगता ही नहीं है एक दो बार फोन लगाने से। तो इस पे उनकी क्या राय, मतलब जनता मरे, टावर लगता, कनेक्शन ठीक रहता, BSNL आगे रहता, अब तो BSNL कोई बेच देने का काम कर दिया इन लोगों ने, प्राइवेटाइज कर रहे हैं पूरी तरीके से, जो सरकारी संपत्ति है उसको बेच रहे, अब वहां काम नहीं कर रहा ठीक से, और ये लोग अपना डिजिटल की चिंता कर रहे हैं।
आप देखिएगा कहीं भी सिग्नल जो है बीएसएनएल का नहीं आता। हम लोग लगातार जो है प्रतिकार हम लोग करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल है गरीबों का बल है, मजदूरों का बल है, किसानों का बल है और बेरोजगारों का बल है। ये डबल इंजन की सरकार को बताना चाहिए कि विशेष पैकेज क्या मिला बिहार को, और जो मजदूर यहां आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो वापस नहीं जाना चाहते, उनके लिए रोजगार के लिए क्या व्यवस्था कराई है डबल इंजन की सरकार ने, कौन सी व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था क्योंकि पहले से ही पिछड़ा है, ये हम नहीं कहते, 15 साल से जो हुकूमत में है, 15 साल से जो हुकूमत में है नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, डबल इंजन की सरकार, वो बताए कि बिहार में अर्थव्यवस्था की क्या व्यवस्था रहेगी, कैसे आगे पटरी पे आएगा, कैसे बिहार का इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ेगा, लोगों को वो रोजगार कैसे दिलाएंगे। आखिर हम लोगों के सामने आंख खुल गया, जो लोग कहते थे कि पलायन पलायन की बात करते थे, अब संख्या जो है संभालना मुश्किल हो गया। राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम अपने लोगों को ही वापस नहीं रख सकते, ना बुला सकते हैं। तो इतनी भारी मात्रा में पलायन जब हुआ, तो आपने रोकने के लिए, पलायन रोकने के लिए क्या योजना चलाई 15 सालों में, रोजगार दिलाने के लिए क्या व्यवस्था कराई। जब कोरोना COVID-19 नहीं था तब यह हाल था, अब तो कोरोना का जो इफेक्ट रहेगा आप सोचिए बद से बदतर और क्या स्थिति होने वाली है। तो इसमें राशन के लिए, सुशासन के लिए, करे प्रशासन के लिए डिजिटल का इस्तेमाल होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ये डबल इंजन की सरकार को राशन के लिए, सुशासन के लिए और करे प्रशासन के लिए डिजिटल का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन चुनाव के लिए और भाषण के लिए बीजेपी जो है, चुनाव और भाषण के लिए जो बीजेपी जो है डिजिटल का इस्तेमाल कर रही है, कितना शर्म भरा वाला बात है। इसलिए हम बिहार के सभी आवाम से, सभी जनता से, जो खास तौर पे जो भुक्तभोगी है, जो अफेक्टेड है, उनसे अपील करेंगे, जो क्वारंटाइन सेंटर से भी जो घर गए हैं, अपने गांव गए हैं, चाहे शहर हो या गांव बिहार का, एक एक व्यक्ति से कहना चाहते हैं कि 9 तारीख को जो हम लोग गरीब अधिकार का जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग आगे आइए, प्रतिकार कीजिए और सरकार को नींद में जो सोई हुई है उसको जगाने का काम कीजिए। जो थाली हो कटोरा हो, आज जिसके पास थाली कटोरा ने वो केला का पत्ता लेके सामने आ जाए, क्योंकि लोग भूख से मर रहे हैं। मुजफ्फरपुर की घटना हम लोगों ने देखा, लेकिन ये लोग डिजिटल रैली किया, 100 से भी ज्यादा मौतें हुई, एक भी शब्द इस डबल इंजन की सरकार ने कुछ कहा शोक में, संवेदना के लिए, एक शब्द इनके मंत्री विधायक किसी ने अफसोस तक नहीं किया। और ये आ रहे हैं डिजिटल चुनाव और अपनी बात भाषण के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रशासन के लिए क्यों नहीं कर रहे थे, कड़े शासन के लिए क्यों नहीं कर रहे थे, घर पहुंचाने के लिए क्यों नहीं कर रहे थे, भूखे को पेट भरने के लिए क्यों नहीं कर रहे थे डिजिटल का प्रयोग। आज बिहार के लोग आदरणीय लालू जी को याद कर रहे हैं। डाटा जरूरी है, लेकिन जब तक पेट में आटा नहीं जाएगा डाटा का क्या करेगा, ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। अच्छा होता ये डिजिटल रैली ना करके पक्ष हो विपक्ष हो सब मिलकर के सेवा में लगे रहते, लेकिन ये साफ दर्शाता है कि बिहार की जो भाजपा है या पूरी डबल इंजन की सरकार है, जदयू है, ये लोग लोगों की चिंता नहीं, गरीब की चिंता नहीं, मजदूर की चिंता नहीं, किसान की चिंता नहीं, चिंता है तो केवल अपने चुनाव की, अपने जो सत्ता का, जो इनको भूख है, जो पावर का जो नशा है, वो बस उसको पूरा करना चाहती है।
तो इस विषय में और कोई आप लोगों का सवाल होगा तो वो पूछिएगा। 9 जून को गरीब अधिकार दिवस के रूप में राष्ट्रीय जनता दल जो है प्रतिकार करने का काम करेगा।